नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। अयोध्या का ये वो हाई प्रोफाइल इलाका है जहां पर लगातार जांच जो है वो जारी है। जो भी व्यक्ति अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ रहा है उसकी ठीक तरीके से जांच की जा रही है। आधार कार्ड से लेकर के तमाम बैग में जो सामान है उसकी भी जाँच हो रही है। जितनी गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं इन सब गाड़ियों की पूरे तरीके से पुख्ता तरीके से जाँच हो रही है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री मोदी समेत 7000 हाई प्रोफाइल लोगों का इस क्षेत्र में कल को जो है कहीं ना कहीं आना है। कल ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। आप सड़कों को देख सकते हैं किस तरीके से जो बीच में जो कहीं ना कहीं जो आधा डाइवर्जन होता है उसको किस तरीके से सजाया गया है। पूरे के पूरे अयोध्या को राममय कर दिया गया है। जिस तरीके से कलयुग में त्रेता के दर्शन कराए जा सकें उसको लेकर के पूरे पुख्ता इंतजामात हैं। पोस्टर्स लगाए गए हैं कहीं ना कहीं श्री रामः शरणं मम, यानी श्री राम के शरण में मैं। और उसी के साथ साथ इधर भी जो पोस्टर है वो साफ कह रहा है कि प्रभु श्री राम की नगरी में अयोध्या धाम में आपका स्वागत है। और कहीं ना कहीं भारी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। पुलिस जो है वो लगातार पुख्ता इंतजाम के साथ अपनी तमाम जांच टीम के साथ लगातार जुटी हुई है। आपको साज सज्जा दिखाते हैं किस तरीके से पूरे के पूरे इस हाईवे पर जिस तरीके से साज सज्जा की गई है फूलों से, ये कहीं ना कहीं उसी त्रेता युग का दर्शन करवाता है। अब आपको दिखाते हैं किस तरीके से पुलिस बल जो है वो वहाँ पर लगातार आधार कार्ड वगैरह तमाम जो जाँच है कहीं ना कहीं वो करनी है वो सब कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ बैगों को प्रॉपर अच्छे तरीके से तलाशी ली जा रही है। जितनी गाड़ियां यहां पर आ रही हैं उन गाड़ियों की खास चेकिंग हो रही है, क्योंकि इसके अंदर से जो एरिया है वो हाई प्रोफाइल शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं। और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के कड़े इंतजाम फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं बैग में जो भी कहीं ना कहीं चैन कलम या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, चार्जर है, उन सब चीज़ों की भी अच्छे से तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो सामान है उसकी ठीक तरीके से जांच जो है यहाँ पर की जा रही है। तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी का आना है यहाँ पर। और उसी के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आएंगे और हाई प्रोफाइल लोगों की विजिट यहाँ पर होनी है। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो तमाम इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो साज सज्जा यहाँ पर की गई है, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी का भी आगमन है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं रोड की बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाया गया है। अयोध्या जो है वो कहीं ना कहीं श्री राम के आगमन पर एक बार फिर से खुश, और कलयुग में त्रेता के दर्शन जो है वो साफ देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो तमाम जो सुरक्षा के कामकाज हैं उस पर पैनी नज़र रखे हुए है। जो लोग संदिग्ध मिल रहे हैं उस पर कार्रवाई हो रही है। जितनी गाड़ियां यहां पर पहुंच रही हैं उसके कड़ी जो है वो चेकिंग हो रही है। कहीं ना कहीं तमाम जो चीज़ें हैं उसके ऊपर पैनी नज़र रखी जा रही है। तो साज सज्जा के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का आगमन है। 7000 से ज़्यादा यूं कहें तो हाई प्रोफाइल लोगों का कल आना है, और ऐसे में इस परिसर की जो सुरक्षा है ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और इसको लेकर के लगातार सुरक्षा जो है वो चौक चौबंद जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तमाम जो है कस्त लगा रही है पुलिस, देखिए गाड़ियों से कैसे कस्त लगा रही है कहीं ना कहीं। और कल से लेकर के परसों तक जो पूरा ये वातावरण है ये ऐसा ही रहेगा। तो बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 अयोध्या।